नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि यहां पर डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टेरेन्स हैं। कहीं पर मैदानी इलाके हैं, कहीं पर पहाड़ी इलाके हैं और ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल रहती है। ऐसे में एक आंकड़ों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर उन चुनिंदा राज्यों में है जहाँ पर पिछले कई सालों से जो आतंकवाद चल रहा है, उस आतंकवाद में जितने लोग मारे गए हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में सरकार प्रशासन की यही प्राथमिकता रहती है कि आम जनता में एक जनचेतना पैदा की जाए, वायलेटर्स के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में एक डेटरेंट रहे। और इस दृष्टि से पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे हम सीट बेल्ट की अगर बात करें, रेड लाइट्स की अगर बात करें, और इस तरह कई इनोवेशंस जम्मू कश्मीर में लाए गए हैं। इसी संदर्भ में इस 18 जनवरी से रोड सेफ्टी मंथ या फिर ट्रैफिक मंथ की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पीछे मंशा यही है कि आम जनमानस में जहां एक जनचेतना लाई जाए, वहीं उन लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको एक कड़ा संदेश दिया जा सके। कितना महत्वपूर्ण ये मंथ रहेगा और इसके साथ साथ कितने दूरगामी प्रभाव इसके आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर आरटीओ जम्मू श्री धनंतर सिंह जी मौजूद हैं और स्पष्ट दिशा निर्देश समय समय पर इनके द्वारा, खासकर हम अगर लाइसेंसिंग वगैरह की अगर बात करें तो उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं एसपी ट्रैफिक प्रदीप सिंह गोरिया जी। और किस प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था और खासकर जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ किस प्रकार, क्योंकि हमें हमेशा ट्रैफिक पुलिस ही सामने नज़र आती है अगर हम कानून की बात करें, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका और इस मंथ के माध्यम से क्या संदेश दिया जाएगा, उस पर आप अपना मौकिफ रखेंगे। मेरे लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री प्रदीप गंडोत्रा जी बैठे हैं जो चेयरमैन हैं जम्मू सिविल सोसाइटी के, और आम जनता किस प्रकार एक सहयोग दे सकती है प्रशासन को इस मंथ को कामयाब बनाने के लिए। और इनके बिल्कुल साथ में बैठ चुके हैं श्री बलविंदर सिंह जी जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, आम जनता की अक्कासी आप यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नंदा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, 32वां रोड सेफ्टी मंथ क्या कहेंगे, इस मंथ के पीछे उद्देश्य क्या है, क्योंकि पहले रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता था, इस बार लीक से हटकर एक मंथ की शुरुआत की गई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आपने सही फरमाया कि इस बार वीक के बजाय अब मंथ मनाया जा रहा है, जो 32वां हम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, ये 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक रहेगा। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमने प्लान की हुई हैं और कुछ हम इनॉग्रल फंक्शन जो हमने अभी गुलशन ग्राउंड से स्टार्ट किया था 18 जनवरी से, इसका मेन जो मंशा जो पर्पज़ है इसका वही है कि जो जैसे आप जानते हैं कि हर साल हमारे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1000 के करीब लोग जो अपनी कीमती जाने आया करते हैं इस एक्सीडेंट्स की वजह से, उसको कैसे कम किया जाए, कहाँ तक हम उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितना हम कर रहे हैं, वो तो साथ साथ में उसके भी जो है देखा जाता है, लेकिन साथ में हमारी जो आगे की जो आगे फ्यूचर हमारी स्ट्रेटजीज हैं उनको हर साल हम इन वीक या मंथ के जो ये हमारे एक्टिविटीज़ जो हम इसमें जो रखते हैं उसमें हमारा मेन टारगेट हम करते हैं, टारगेटेड ग्रुप्स हो रहे होते हैं, जैसे हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है या स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो यंग एज में जिनका जो ज़्यादा वायलेशन, जैसे आप जानते हैं कि 50% हमारा जो एक्सीडेंट्स हैं वो 15 से 35 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनमें होते हैं, तो उसको टारगेट ग्रुप हमारा वही रहता है। मैक्सिमम हमने स्कूल्स में कॉलेजेस में रोड सेफ्टी क्लब्स बनवाए हुए हैं, उन क्लब्स को हम इस टाइम में बड़ा एक्टिवेट करते हैं। इस बार तो थोड़ा COVID-19 की वजह से हमारा उतना ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी, बट जो वॉलंटियर हैं जैसे NCC है, NSS है, उनको हम अपने साथ ले रहे हैं, जो हमारे दूसरा इन्फोर्समेंट विंग है हमारा अपना ट्रैफिक पुलिस, इनका हमारे साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन है, मिलके हम इस पूरे मंथ को मनाएंगे। तो इसमें हमने रखा हुआ है जैसे सबसे पहले हमने इसका जो है कि अवेयरनेस, इस बार हम चलानिंग वगैरह जो हमारे ट्रैफिक लोग ट्रैफिक पुलिस के लोग करते हैं या हम लोग करते हैं, उसका हमने इस मंथ में बड़ा हमने तो अपना लिखा कि हम कम करेंगे, लोगों को समझाया जाएगा कि आप ट्रैफिक जो रूल्स हैं या मोटर रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना, कोई डिपार्टमेंट के लिए फॉलो नहीं करना, किसी पनिशमेंट के लिए फॉलो नहीं करना, अपनी जान बचाने के लिए आप इनको फॉलो करें, हमारा ये टारगेट रहेगा। हम बड़े जो सिंपोजियम टाइप डिबेट कंपटीशन करवा रहे हैं, हमारा जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में हमारा जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे हमने बच्चे जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके
साथ मिलके हमारा जो नोडल प्रिंसिपल है जम्मू जीजीएम साइंस कॉलेज से, उनके सहयोग से हम एक वहाँ पे सेमिनार करवा रहे हैं, वो भी कुछ ही दिनों में उसकी डेट्स फाइनल हो जाएगी। इसके साथ में हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो ये नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इनके साथ हमने इस बार कोऑर्डिनेट किया हुआ कि जो ड्राइवर्स लोग हैं, जैसे बन टोल प्लाजा है हमारा, ये छन्नी हिम्मत है जहाँ पे ज़्यादा रश रहता है, वहाँ पे उनकी फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। उनकी जो बेसिक टेस्टिंग है, जैसे आई टेस्ट हैं, उनका बीपी शुगर वगैरह चेक किया जाएगा, ताकि उनकी फिटनेस जो है वो ज़रूरी है। और खासकर हमारा टारगेट रहेगा जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो जैसे ट्रक्स चला रहे हैं या बसें चलाते हैं, जिनके साथ बड़े लोगों की जाने जो है वो जुड़ी रहती हैं, उनकी फिटनेस हम देखेंगे। इसके साथ में हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है, उसमें जो प्रोविजंस हैं रिसेंटली जो 2019 में इसमें कुछ फाइंस वगैरह रिवाइज हुए हैं, वो भी हम लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि अगर आप हमारे समझाने से भी अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो बड़ी हार्श पेनल्टीज हैं। जैसे कोई अंडर एज बच्चा जो है वो ड्राइव कर रहा है विदाउट लाइसेंस चल रहा है, उसके लिए बड़ा हार्श पेनल्टीज हैं, 3 साल की आपको सजा है, 25,000 रुपये जुर्माना है, और वो इम्पोज होगा। साथ में जो सीट बेल्ट है या हेलमेट है, जो माइनर अपने ऑफेंसेज हैं बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए, इसमें 1,000 रुपीज़ आपका फाइन, मतलब रिवाइज जो हुए। इसी तरह और भी बड़ी पेनल्टीज जो है वो रिवाइज हुए हैं, लेकिन हमारा जो इस रोड सेफ्टी मंथ में या जो डिपार्टमेंट का व्यू है वो ये नहीं है कि हम एक रेवेन्यू जनरेट करें, हम ये एक डेटरेंस है कि लोग इसको फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें और वायलेशन ना करें। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ पूरे मंथ में चलती रहेंगी। तो जहाँ जहाँ हमें जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, हम रूरल एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं इस पर, जैसे हमारे आपने देखा होगा कि परसों कल परसों 2 दिन से हम अखनूर में अपना यहाँ पे आरएसपुरा में जगह जगह पे हम रूरल एरियाज़ को भी इस बार टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वायलेशन जो है वो हर जगह होती है, तो उसको हम चेक कर रहे हैं, जितना पॉसिबल है हम सब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो होपफुली मुझे लगता है कि इस रोड सेफ्टी मंथ का काफ़ी अच्छा फायदा होगा और जो एक्सीडेंट्स हैं उनको हम कम करेंगे और कीमती जाने भी बचाएंगे। जैसे अब थोड़ा जैसा मैं आपसे शेयर करूँगा कि हमारे जो एफर्ट्स हैं थोड़ा बहुत उनका असर हमें दिखा है 2020 में। जैसे मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात ले लूँ तो यहाँ पे अगर आप पिछला डाटा देख लें तो जो डेथ्स एक्सीडेंट्स की वजह से हुई थी वो इस बार काफ़ी कम हुई है। तो इसमें बड़े फैक्टर जो हैं इसमें मतलब उनका रोल प्ले हुआ है और हम कोशिश करेंगे इसको और काम लाया जाए, और फाइनली हमारा ये एम है कि इसको जीरो एक्सीडेंट्स जो है वो जीरो किए जाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। दरअसल जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय के साथ साथ जहाँ ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसमें भी टेक्नोलॉजी का असर पड़ा है, वहीं जो हमारी सड़कें हैं उसमें भी वो बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत है। उस दिशा में ये रोड सेफ्टी मंथ इस पर लाया गया है। प्रदीप जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी रहती है, ऐसे में क्या प्रयास ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं जन चेतना पैदा करने में, क्योंकि सड़कों पर बाकी डिपार्टमेंट नज़र नहीं आते, आप ही रहते हैं हमेशा ट्रैफिक पुलिस ही इन द लाइन ऑफ फायर भी रहती है, क्या कहेंगे सर? थैंक यू। जैसे कि धनंतर सर ने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, तो अगर पर्टिकुलरली इस मंथ की बात करेंगे, ट्रैफिक सेफ्टी मंथ की बात करेंगे, तो इस मंथ का थीम जो है वो यही है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बिल्कुल। तो ट्रैफिक पुलिस का भी हमारा भी यही रहेगा, फोकस रहेगा ज़्यादातर इन चीज़ों पे। और दो चीज़ें हमने इस बार सोची हुई हैं जो गाइडलाइंस भी हैं, एक तो अवेयरनेस लोगों को देनी है और दूसरा जो है रोड एक्सीडेंट्स जो है उनको कम करना है। तो रोड एक्सीडेंट कम तभी होंगे जब जो कम्यूटर है, जो गाड़ी चलाने वाला है, जब वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उनको अडॉप्ट करेगा, वो उनसे बाहर ना जाएगा तो एक्सीडेंट कम होंगे। अगर एक्सीडेंट कम होंगे तो डेथ्स कम होंगी, इंजरीज कम होंगी। तो इसके अलावा जो है एनफोर्समेंट में इसमें 4 E's पे हम ध्यान देंगे। हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यू एक कोऑर्डिनेशन में हैं। पहला तो एजुकेशन है, जैसे धनंतर सर ने बोला कि इसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी के उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। दूसरा एनफोर्समेंट पार्ट है, वो तो हमारा काम है, जॉइंट इनका भी है, लेकिन इस बार हमारा ये रहेगा कि एनफोर्समेंट के साथ साथ हर एक नाके पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने ऑफिशियल्स हमारे वहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं खुद भी हूँ, SSP साहब भी निकलते हैं, हमारा ये फोकस रहेगा कि जो फर्स्ट टाइम वायलेटर है उसको वहाँ मौके पर ही समझाना है कि भाई सीट बेल्ट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हेड इंजरी जो है उसके चांसेस कम रहते हैं, और हेलमेट डालना भी इसीलिए ज़रूरी है कि हेड इंजरी नहीं होगी। अगर हेड इंजरी नहीं होती तो डेथ होने के चांसेस एक्सीडेंट में कम रहते हैं। बिल्कुल। जिस तरह आपने सर कहा कि इसके अलावा हमारा ये भी इस बार हम ये भी मतलब एक उसमें एजेंडा में है कि रोड साइड एक्सीडेंट्स में जो कोई भी एक्सीडेंट होता है उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी, उनको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा ताकि उनकी जान बचा सकें।
प्रदीप जी, साहब ने कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस बार का थीम रहा है और उद्देश्य यही है कि एजुकेशन, एनफोर्समेंट और चारीज को लेकर हम बात करेंगे, लोगों में जाएंगे और उस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। गणोदर साहब, मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगा, आम जनता की अगर बात करें, प्रयास एनफोर्समेंट, एजुकेशन, अवेयरनेस की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता भी घर से लेट निकलती है, जल्दी पहुंचने के लिए वो गाड़ी भी तेज चलाती है और दुर्घटना होती है। ऐसे में किस प्रकार एक कॉम्प्लीमेंट कर सकती है आम जनता, सिविल सोसाइटी, पुलिस को, जो महकमे जुड़े हुए हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी की कितनी अहम भूमिका रहेगी? बिल्कुल सही फरमाया आपने, लोगों को सबसे पहले एजुकेट किया जाएगा। ये जो मंथ का इनका प्रोग्राम है, जैसे आरटीओ साहब ने सही फरमाया कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा, वही एक एज ग्रुप है जो सबसे बड़े वायरल होते हैं, या जो कमर्शियल व्हीकल्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग होते हैं, या एक लॉन्ग जर्नी में, क्योंकि हमारी रोड बड़ी वल्नरेबल है, बंद रहती है, एक तरफ पार्किंग होती है, एक तरफ गाड़ियां निकल रही हैं, रोड एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आरटीओ साहब ने फरमाया कि हमारा 2020 बेटर हुआ, बेटर मैनेजमेंट की वजह से होना तो चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर रोड पे ट्रैफिक बड़ा कम था। 2020 जो पूरा हम कोविड की वजह से बंद में ही चलते रहे, रोड ट्रैफिक बड़ा कम होने की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेथ रेट और इंजरी रेट हाफ से भी कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको आपके डिपार्टमेंट की फिगर्स बता देता हूँ, और चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू सिटी, जिसे हम बड़ा सिविलाइज समझते हैं, यहाँ श्रीनगर के मुकाबले में 4 गुना इंजरी रेट है और 2 गुना डेथ रेट है। मैं पूरी फिगर्स आपको बता देता हूँ। श्रीनगर में 2019 में 323 लोगों की जाने गई जी। और जम्मू में 1343 1343 लोगों की जो इंजरी आई है, और जो डेथ है वो 45 श्रीनगर में और 92 जम्मू में, और इससे पिछले साल में 45 डेथ श्रीनगर में हुई और 119 डेथ जम्मू में हुई। डबल डेथ रेट है और 4 टाइम्स इंजरी रेट है। इसका कोई वजह मुझे समझ नहीं आती कि जम्मू में ऐसा कौन सा है कि हमारी इंजरी रेट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम टोटल स्टेट की बात करते हैं तो टोटल स्टेट में भी कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि टोटल स्टेट में जो किल्ड लोग थे अनफॉर्चुनेटली, उनका जो है वो लास्ट ईयर में 996 था, इस साल में 728 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं कि पूरा साल बंद ही रहा, सड़कों पे ट्रैफिक नहीं रहा, हाईवे पे भी ट्रैफिक नहीं रहा, मूवमेंट ऑफ गुड्स भी बड़ा कम रहा, प्राइवेट कार्स तो बड़ी कम निकलती थी, मेटाडोर्स जो सबसे बड़े वायलेटर माने जाते हैं वो घर पे बैठे हुए थे, तो 50% से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट घर पे था। तो उसके बाद जो टोटल इंजर्ड का डाटा है वो 7532 था लास्ट ईयर का, और 5894 था इस साल का, कोई ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, ड्रॉप ज़रूर हुआ है, डेफिनेटली इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स की होंगी, बड़ी अच्छी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे खलकती है हमारे दिल में, क्योंकि हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे कैमरा बेस्ड, अब ऑटोमेशन का ज़माना है, अब वो पुराने ज़माने वाली चीज़ें नहीं चलती कि कॉप विल कंट्रोल, कॉप कैन नॉट कंट्रोल, वो एक गाड़ी के पीछे भागेगा तो 4 पीछे से निकल जाएंगे, चाहे आप जितनी गाड़ियाँ उतने पुलिस वाले खड़े कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। टोटल ऑटोमेशन हो चुकी है, इतने सस्ते इक्विपमेंट हैं, इतने बढ़िया कैमराज आ चुके हैं, उसमें ऑटोमेशन की एक्सटेंट यहाँ तक है कि मैं एक बार फ्रांस में गया हुआ था, जिस गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे थे, तो सिटिंग इन द कार आई सा द चलान ऑन द मोबाइल ऑफ दैट ड्राइवर एंड ही वॉज वार्न्ड, इट वॉज वार्न्ड दैट यूर लाइसेंस विल बी कैंसल एंड देयर, इफ वंस द लाइसेंस इज कैंसल इट इज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस, जैसे इनकम टैक्स में ऑटोमेटिक ईमेल आती है, वैसे ये कौन सी बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े इंडियंस ने पूरे वर्ल्ड को ऑटोमेशन दी है, और अपने घर में दिल्ली में भी ऑटोमेशन हो चुकी है,
जब भी हम ट्रैफिक का वहाँ देखते हैं तो लोगों को चलान करके आ जाता है, अमाउंट बना के आ जाता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जो स्पीड चेक के लिए व्हीकल्स अवेलेबल हैं वो खड़ी रहती हैं रोड्स के ऊपर, हाईवे के ऊपर, सिटी रोड्स के ऊपर। जैसे ही आप ओवर स्पीडिंग में निकलते हो तो ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट उस पर जाके यू गेट ए मैसेज दैट यू वर ओवर स्पीडिंग, और वो एक्यूरेसी के साथ, उसको कोई कंटेस्ट भी नहीं, उसमें कोई एडवोकेट भी जाके वहाँ लड़ाई नहीं कर सकता कि मेरा जो क्लाइंट है इस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। तो यहाँ समझ नहीं आई, हमने बड़ी बार सुना है, आप लोगों के लेवल पे तो नहीं, सीनियर लेवल पे ये डिसीजन होते हैं, लेकिन जो बार बार बताया जाता है कि हम कैमराज ले रहे हैं, हर चौक में कैमरा होगा, लाल बत्तियाँ बनाने से बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। मैं गांधीनगर में रहता हूँ, गांधीनगर में एक चौक में जब तक लाल बत्ती नहीं थी कोई जाम नहीं होता था, आराम से लोग निकलते थे। लाल बत्ती लगा दी है, कभी वो माल फंक्शन, कभी कुछ, कभी जब कांस्टेबल खड़ा होगा उस समय डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इनको कंट्रोल करना। जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जब मोदी जी कह रहे हैं कि हम गुरु ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम वैक्सीन दुनिया को दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर दुनिया को हम 30 साल से दे रहे हैं और नासा तक हमारे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, यहाँ लोकल ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको सॉफ्टवेयर बना देंगे जिसमें ऑटोमेटिक ईमेल ट्रिगर होगा, एसएमएस ट्रिगर होगा, वायलेटेड चलान होंगे, और वो चलान उन्होंने पे भी ऑनलाइन करना होगा, वो करेंगे, और जब थर्ड या फोर्थ में जो भी आप बनाना चाहते हो रूल रेगुलेशन रोड सेफ्टी के लिए, उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसेस बना लीजिए कि चलान भी ऑटोमेटिक हो, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस भी ऑटोमेटिक हो। हमारी जब ऑटोमेशन होती है वो इतनी मुश्किल उसमें पेश हो जाती है। अब जैसे लाइसेंस के लिए ऑटोमेशन की है, अब मैं कोई अपने एम्प्लाईज को भेजा, वो कह रहे थे 3 महीने का स्लॉट मिल रहा है, ये कौन सी दुनिया है, 3 महीने का स्लॉट क्यों मिल रहा है, और इतने मुश्किल सवाल उनको पूछे जा रहे हैं कि एक 8th पास ही ड्राइवर बनेगा, पोस्ट ग्रेजुएट या इंजीनियर तो ड्राइवर बनेगा नहीं बेचारा। उसके प्रदीप जी, आपके 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 दो तीन इशूज़ हैं, मैं आना चाहूँगा। आपने जनता का जिक्र किया, हम वही लोग हैं जब हम लखनपुर क्रॉस करते हैं खुद ब खुद सीट बेल्ट पहन लेते थे क्योंकि चलानिंग होती थी। कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी को भी ग्रो करना होगा। सर, ऐड करूंगा सर, आपके जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं, आई टेक इट। इसमें ऐड करना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू सिटी में भी 44 लोकेशंस पे जो ITMS जो आप जो कैमरा जिन ऑटोमेशन की जो बात कर रहे हैं वो लग रहे हैं, उनका शायद टेंडर होने ही वाला है। तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या 2022 के एंड तक वो चीज़ें आपको जम्मू में लिटरली पॉसिबली दिखेंगी यहाँ पे। नंबर दो चीज़, एक और चीज़ हमने ऐड की हुई है, पिछले 6 महीने से हम चला रहे हैं उसको, ई चलानिंग मशीन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। उसमें बहुत इजीनेस होगी लोगों को। पहले एक ऑफिशियल को पूरा चलान लिखना पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। आज की डेट में उसमें 176 के आसपास ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो हमने आपका, जैसे आप अगर सीट बेल्ट का वायलेटर है, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, हम उसमें लिखें विदाउट सीट बेल्ट, ऑफेंस खुद आ जाएगा, फाइन नीचे आ जाएगा। हम आपको ऑप्शन देंगे कि आपने कार्ड से पेमेंट करना है या कैश करना पेमेंट, या आपने बाद में ऑफिस में आके डिपॉजिट करने हैं तो आप हमें कहते हैं डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप करो चले जाओ, ठीक है, या आप कैश देते हैं तो आपको उसका भी हम रसीद देते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, इतना भी फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास रख दीजिए, हम आपको उसका रसीद दे देंगे, दूसरे दिन आके, तीसरे दिन आके SP ऑफिस में आके आप अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिए और फाइन जमा करवा दीजिए। तो हर चीज़ जो है इसको आने में टाइम लगता है, विद टाइम जितनी भी आपने बातें की हैं मुझे लगता है कि एक 2 साल में यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बलविंदर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी आ रही है लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है, सरकारी तंत्र में हम जी रहे हैं, क्या कहेंगे एक प्रयास, क्योंकि डेथ रेट्स एक्सीडेंट्स का यहाँ पर मिलिटेंसी रिलेटेड डेथ से कहीं ज़्यादा है, क्या प्रयास और क्या सार्थक प्रयास की दिशा में हम बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑटोनोमस बॉडी बनी, जिसका यही पर्पस था टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कैसे करें उसके लिए लोगों को अवेयर करना, और उसमें जो चीज़ें आती है टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, सीट बेल्ट, हेलमेटलेस ड्राइविंग, ये चीज़ें जो बेसिक्स हैं, जो मैं समझता हूँ जो इस वीक के लिए या इस बार जो मंथ शुरू किया गया है, लोगों को अलग अलग टारगेट्स ग्रुप को जाके इस चीज़ को करना। मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट्स काफ़ी लेवल पे, अच्छे लेवल पे, जैसे RTO साहब ने बताया और SP साहब ने बताया, काफ़ी लेवल पे इन चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो ग्राउंड में हम देखते हैं कि ये काम सिर्फ ट्रैफिक का ही या RTO का ही नहीं है, इसमें और भी दो डिपार्टमेंट्स जो हैं जो उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए,
सबसे पहले तो उसमें जो रोड की प्लानिंग करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उसका एक बहुत बड़ा रोड है, रोल है उसका बहुत बड़ा, क्योंकि अगर एक्सीडेंट्स वगैरह कहीं होते हैं तो उसमें रोड्स की भी कहीं ना कहीं, जो मैं खास करके कहूंगा, जो मैं आईआरसी की गाइडलाइंस के तहत कहूँ, जो रोटरीज बनती हैं, रोटरीज की हाइट आप दिल्ली में जाकर देखिए, चंडीगढ़ में जाकर देखिए, रोटरीज की हाइट बिल्कुल विजिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है गाड़ियों की कि दूर से दिखाई देती है गाड़ी आ रही है। जम्मू में पता नहीं किसके कहने पे, कौन इसकी डिजाइन करता है, बहुत बार मैंने आरटीआई लगाई, उसका मुझे आज तक जवाब नहीं आया, इसका डिजाइनर कौन है, उसकी डिग्री क्या है, तो उसकी हाइट दो दो एक एक डेढ़ मीटर तक हाइट उसकी रेज कर दी जाती है, बिल्कुल ब्लाइंड रोटरीज बन जाती है, लोग उसकी विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। उसके बाद जम्मू में कई जगह ऐसी जगह स्पीड ब्रेकर्स बना दिए गए हैं जिन जो एक्सीडेंट के काजेज बनते हैं, तो स्पीड ब्रेकर्स की भी जब आरटीआई का डाटा मिला, ये पता चला कि ये 90% जो स्पीड ब्रेकर्स जो बनाए गए हैं ये आईआरसी की वायलेशंस के तहत बनाए गए हैं, उसकी वायलेशन करके बनाए गए हैं, ये एज पर गाइडलाइंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद जीएमसी का बहुत बड़ा रोल होता है। आज अगर ट्रैफिक वालों की पूछते रहे तो मैं समझता हूँ जीएमसी भी ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइंस आई भाई जितनी भी फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जाए, लेकिन जीएमसी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। उन पर कंप्लेंट करो तो कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, ये चीजें जो बहुत ज्यादा हैं। अगर हम एक्सीडेंट केसेस को कम करना चाहते हैं खाली अवेयरनेस करने से नहीं, ये चीजें भी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, और मैं समझता हूँ एक तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने डिपार्टमेंट का नाम गिनाया। सपोज आप ट्रैफिक लाइट्स की बात करें सर, गुंडोत्रा साहब ने बड़ी चीजें की कि अगर हम सॉफ्टवेयर में बहुत एडवांस है, अभी तक हम सॉफ्टवेयर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन एसपी साहब ने उसका जवाब दिया कि हम बहुत ई चैनलिंग वगैरह शुरू किए। लेकिन एक चीज़ों का सर मैं आपके पास जिक्र करूंगा कि पिछले 3 साल से ये 2 साल से जिक्र चल रहा है कोई इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट्स का जो जम्मू में किया गया सर, 34 नए जंक्शन तैयार किए गए, स्मार्ट लाइट जो 34 30 को अपग्रेड किया गया, तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। 14 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया गया, जो नई लाइट थी उसके ऊपर 22 लाख रुपया और पुरानी को अपडेट करने के लिए 12 लाख रुपया। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब हमारे जीएमसी कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई ना कोई उस वीआईपी उसमें आके बैठता है, उस वक्त बड़ी हाई स्कोर किया जाता है भाई इसके करने से जम्मू में ट्रैफिक की कंजेशन बिल्कुल दूर हो जाएगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन ये लगने के बाद भी आज भी हम उन चौकों पर जाकर देखते हैं, अगर स्तवारी की आप चौक को अपग्रेड किया आपने 12 लाख रुपये खर्च करके, आज भी स्तवारी के चौक में वो जाम नहीं किया। सर आपसे पहले कई अफसर थे, जब उनसे हमने ये बात की भाई ये ट्रैफिक लाइट लगाने के बाद भी जम्मू का दशा सुधरी नहीं, तो ऐसा क्या हुआ? कहने लगी जी एक तो यहाँ लेफ्ट लाइन जो फ्री होती है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमारी रोड्स की भीड़ इतनी नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब प्लानिंग की जाती है उस वक्त पीडब्ल्यूडी के साथ आप भी बैठते हैं, उस वक्त जीएमसी के साथ आप भी बैठते हैं, अगर वही बात जो अफसर ने मुझे कही उस मीटिंग में कही होती तो मैं सोचता हूँ शायद इसको इंस्टॉल करने से पहले वो उसकी वाइडनिंग को जरूर देखते भाई, फ्री लेन कहाँ करनी है, वाइडनिंग कहाँ करनी है, वो चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं। क्योंकि मैं लगता है ये कहीं ना कहीं मजाक बनता है, क्योंकि मैं आरटीआई हर चीज़ पर डिटेल से जब तक मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आते मैं तब तक बात नहीं करता। ये चीज़ें जब मेरे पास आई, अच्छा 5 साल का इसका टोटल वारंटी पीरियड है जो उसकी एएमसी और प्लस 2 ईयर्स का है, 5 साल इसकी वैसे ही निकल जाएंगे जब तक अभी हमारा कंट्रोल रूम चला या नहीं चला है वो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अभी भी जो डाटा मेरे पास आया वो यही बताता है कि ये अभी भी ये ब्लिंकर्स मोड पर ज़्यादा होती हैं, ब्लिंकर्स मोड पर होती हैं, अब तो उनका टाइमर भी नहीं चलता। सर इंडियन ऑयल की आप या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरफ से वो एक आती है ऐड आती है, पापा बच्चा वो ऐड में दे रहा है पापा अब गाड़ी ऑफ क्यों नहीं करते, अब लाइट ट्रैफिक सिग्नल पे आ गए हो, जब तक वो टाइमर है बंद कर दीजिए। अब ना वहाँ टाइमर रहा ना वहाँ, ये सिर्फ ब्लिंकर बोर्ड पे है, शख्स को नहीं पता था मैं गाड़ी ऑफ करूँ या ना करूँ। अगर तेल कंज्यूम करने के लिए उसकी बचत की बात करते हैं ना, तो ये भी एक उसमें है भाई खड़ी कर, जब तक गाड़ी अगर टाइम है 40 घंटा गाड़ी ऑफ कर दीजिए ताकि पेट्रोल का बचत कर। अब वहाँ पर वो वाच खत्म हो गई है, ये ब्लिंकर मोड पे है। इस चीज़ के लिए मैं समझूंगा आप इस पर जरूर रोशनी डालिए, अगर 14 करोड़ रुपया खर्च किया तो इसकी प्रॉपर इस पर फंक्शन क्यों नहीं करते। और ये आप सरकार को अगर पूछो, जीएमसी कहती है जी ये ट्रैफिक वाले देखते हैं, कहीं उसकी वाच खराब है ट्रैफिक वाले देखते हैं, तो ट्रैफिक वाले और जीएमसी की आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है शहरियों को पता होनी चाहिए कि अगर वो कंप्लेंट करें तो किसको करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। हम शोक से कह रहे थे ये लाइट्स आ गई हैं, अब कम से कम ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाएगी, ट्रैफिक की जो रेगुलेशन है खत्म हो जाएगी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं। धनंतर जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, उससे पहले प्रदीप जी की सर दो चीज़ें गंडोत्रा जी ने भी उठाई हैं, एक तो उन्होंने कहा कि स्लॉट्स लाइसेंस का लंबा एक इंटरवल उसमें आ रहा है, और कोविड के दौरान भी आपने अपना ऑफिस जारी रखा, लोगों को सहूलियत प्रदान की हैं, क्या क्योंकि जो डेथ्स जिस तरह आपने एज ग्रुप का डिफाइन किया उसमें कहीं ऐसे बच्चे थे, क्योंकि जो पेरेंट्स से अपनी जो एब्सेंस को पूरा करने के लिए बच्चों की जिदें पूरी करते हैं, और खासकर यंग जनरेशन की अगर बात करें धूम स्टाइल बाइक्स, और वो एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन लेते नहीं हैं। लर्नर लाइसेंस की अगर बात करें जिस तरह गंडोत्रा जी ने कहा, सर क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि
ऐसी है जैसे इन्होंने फर्स्ट मैन का पहला जो था एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे कि जम्मू में एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होते हैं बाकी जगहों से, ठीक है बाकी चीज़ें जितना हमारा इन्फोर्समेंट में भी कमी हो सकती है, हमारा जो सोसाइटी है या जो लोग हैं उसमें भी कमी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह अगर आप ना व्हीकल पॉपुलेशन अगर आप चेक कर लें ऑनलाइन सब कुछ दिया हुआ है, जम्मू की जो पॉपुलेशन है व्हीकल्स की यहाँ पे मेरे पास जो ऑन रोड गाड़ियां इस वक्त चल रही तकरीबन 9 लाख के करीब गाड़ियां जम्मू में चल रही हैं, और जिसमें से आपका जो नॉन ट्रांसपोर्ट है मतलब जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो 90% वो है, और उसमें से भी 60% आपके ये जो है टू व्हीलर्स वगैरह जो है वो चल रहे हैं, और हर साल 1 लाख गाड़ी जो है ऐड होती जा रही है। बिल्कुल, जब पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी गाड़ियों की ज्यादा रहेगी तो एक्सीडेंट्स का होना भी मतलब जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा रहेगी, उस वजह से बाकी एरियाज में, और दूसरा जो जम्मू के रोड्स हैं उनको अभी टाइम लग रहा है, हम कर रहे गवर्नमेंट अपना जो कोशिश कर रहे हैं कि इनको रोड्स को बढ़ाया जाए, जब तक ये उतना वाइडनिंग ना हो जाए उन पॉपुलेशन को मतलब कवर करने के लिए तब तक एक्सीडेंट्स का यहाँ पे ज्यादा रिस्क रहता है उस वजह से। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ने जैसे आपने फिगर दी थी, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की दे दूँ कि जैसे 2019 में आपने कहा कि 119 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई ड्यू टू एक्सीडेंट्स, अगर यही फिगर आप 2020 में ले लें ठीक है कोविड 19 भी था लोग पर थे, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स थे वो तब भी चल रहे थे तो 85 हम उसको पॉजिटिव साइड लेके चल रहे हैं। हमारा ये टारगेट है कि हम इस 85 से जो इस साल का है हम इसको और कम लाया जाए, हम तो इसको जीरो पे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना जो एक्टिविटीज हम चला रहे हैं उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लोग हमें कॉपरेट कर रहे हैं। जैसे अब जब से ये फाइन्स वगैरह रिवाइज हुए हैं उससे अगर आप डाटा ले लें आपके पास डाटा सारा होगा कि उससे काफी जो वायलेशंस थी एक्सीडेंट जो लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते थे वो बड़ा कम हुआ है। अभी आप सिटी में निकल जाइए आपको कोई भी हेलमेट विदाउट हेलमेट बड़े कम लोग नजर आएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे एटलीस्ट इतना सा लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, वो भी अच्छी बात है। जहां तक बात रही स्लॉट की, मैं यहाँ पे हालांकि ये हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगा कि जो स्लॉट थे हमारा वाइज जो आरटीओ ऑफिस जम्मू था या जो भी हमारे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट थे हमने अपना ऑफिस खुला रखा इवन के ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, और साथ में हमारे लोग कोविड की ड्यूटीज पे थे, हमारे एयरपोर्ट पे हमारा स्टाफ था, रेलवे स्टेशन पे था, जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको हमने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो देनी थी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमारे लोगों ने किया, साथ में हमने ऑफिस भी खोला। अनलॉक फर्स्ट मई से स्टार्ट हुआ, हमने ऑफिस खोला और उसमें हमें कोविड 19 की SOPs फॉलो करना हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो फर्स्ट था हमारा, हम उसमें कोई वायलेशन नहीं कर सकते थे। स्लॉट्स जो कम हुए, ऐसे भी जम्मू में स्लॉट्स मतलब लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको किया जाए, जैसे हमारी डिमांड यहाँ पे उतनी हमारी जो हम कैपेसिटी इस वक्त हमारे आरटीओ ऑफिस की है वो कम है। हमने जो हुआ जो हमारी 150 स्लॉट्स लेके हम चल रहे थे और हफ्ते में 6 दिन हमारा जो था वो ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के टेस्ट होते थे, कोविड में हमने इसको कम कर दिया, फिलहाल तो पहले बंद था, फिर हमने जो हमारे हायर अथॉरिटीज के साथ टेकअप किया हमने, तो हमने क्या किया कि उसको 50% पे हमने चलाने की कोशिश की कि हम 3 दिन ही चलाएंगे। हमने डे वाइज एक्टिविटीज स्टार्ट की कि ताकि जो SOPs हैं वो फॉलो की जाए, पर डे हमने जैसे मंडे ट्यूजडे जितने भी हफ्ते के 6 दिन हमने 6 दिन 6 एक्टिविटीज रखी, किसी दिन हमने रजिस्ट्रेशन का काम रखा, किसी दिन हमने ड्राइविंग लाइसेंस का रखा, लर्नर लाइसेंस के 3 दिन हमने फिक्स किए और 150 पर डे करके, उससे क्या हुआ कि जो हमारा डिमांड थी लोगों की और बड़ी स्लॉट्स कम मिलने लगे। फिर फाइनली क्या हुआ कि लोगों की डिमांड ज़्यादा आने की वजह से हमने इसको 300 कर दिया, अब पर डे 300 है, लेकिन इसमें ये ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग है। कई लोग ये कहते हैं जनाब स्लॉट बुक किसी हमें साइबर कैफे पे जाना पड़ता है वहाँ पे हो जाते हैं, हमारे घर में नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो सारथी पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आप तो जानते होंगे, इसमें ये प्योरली जो है मैंडेटेड एंड कंट्रोल्ड बाई NIC हाईएस्ट टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो मैंडेट कर, इसमें किसी के हाथ में ये RTO छोड़ के कोई भी ऑफिसर आ जाए किसी भी लेवल का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। स्लॉट बुक ऑनलाइन है, हाँ इसमें हमारी अवेयरनेस का होना थोड़ा जरूरी है। 10 बजे सुबह लाइंस खुलती हैं स्लॉट्स की, जैसे अभी आप मान लें कि 300 स्लॉट्स खुलने हैं, 10 बजे लाइंस खुलेंगी, जब तक 300 स्लॉट एग्जॉस्ट नहीं हुए तभी तक खुली रहती है, मान लो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसके बाद बंद हो जाता है। 3 मंथ्स का जैसे आपने बात की, जो NIC के रूल्स हैं वो ये हैं कि 90 डेज के स्लॉट्स एट अ टाइम खुल जाते हैं, तो लोगों ने वो बुक कर दिए होते हैं। जैसे अभी आप स्लॉट बुक करने के लिए जाओगे तो आपको जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है वो बताएगा कि 90 डेज स्लॉट्स आर ऑलरेडी बुक्ड। अब आपको कल सुबह मॉर्निंग में जो आज दिन में स्लॉट्स 300 यूटिलाइज हो जाएंगे वो कल आपको अवेलेबल होंगे, वो भी मिलेंगे, लेकिन कब के? 91 डेज के, 90 डेज तक पहले ही ऑलरेडी लोगों ने बुक किए हुए। तो वो उस चीज़ को हम कवर करने के लिए उसको कैसे कम किया जाए इस वेटिंग पीरियड को, डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसमें, यहाँ पे बताना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि हम कुछ कैंप ऑफिस का उसमें कुछ सोच रहे हैं डिपार्टमेंट से, कि जैसे हमारे कॉलेजेस हैं पॉलिटेक्निक्स हैं
वहाँ पे डिस्कशन चल रही है हायर लेवल पे कि उनके साथ कोई एमओयू वगैरह साइन हो कि जो हमारा लर्नर लाइसेंस है कुछ वहाँ पे डेलीगेट किया जाए, वहाँ पे उनको जैसे कंप्यूटर लैब्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए और जो हमारी कैपेसिटी है इस वक्त हम 300 पर डे कर रहे हैं इसको 1000 के करीब लिया जाए क्योंकि हमारी डिमांड यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा है, तो हम 300 दे पा रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पे साथ में जब अंडरेज जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की बात रही, काफ़ी लोगों ने रिजेंटमेंट भी शो की, मेरे साथ काफ़ी लोगों के आर्गूमेंट्स भी होते हैं। मैंने यहाँ पे जब मुझे तकरीबन 1.5 साल एज आरटीओ यहाँ जम्मू हो गए, यहाँ पे क्या था कि जो एक्सीडेंट्स थे, जो छोटे बच्चे थे 16 ईयर्स पे उनको लाइसेंस दे दिया जाता था, जबकि जो वायलेशन थी मोटर व्हीकल एक्ट की वो मैंने बंद किया। आके काफ़ी लोगों ने मेरे खिलाफ लिखा भी, वो एक दिन जो हमारे डेली एक्सेलसियर पेपर में फ्रंट लाइन पे उन्होंने न्यूज़ भी लगाई, लेकिन मैंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग। इसमें क्या है कि अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे, एक्ट में वो एक प्रोविजन दिया गया था कि 50cc व्हीकल है जो लूना टाइप आई थी बिल्कुल, उसके लिए वो लाइसेंस दिया गया था कि, और उसमें भी कंसेंट आपके पेरेंट्स की चाहिए थी कि हम इसको वो राइटिंग में देते थे और उसको 50cc गाड़ी के लिए उसको लर्नर लाइसेंस और फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था। हुआ क्या, अभी आप पूरे इंडिया में चले जाएं, मैं अपने जम्मू की बात करूंगा, 50cc कोई व्हीकल ही नहीं है बिल्कुल, हमारे जो स्कूटी आ रही है इसकी 110 से नीचे है ही नहीं। तो वो वायलेशन क्या होती थी कि हम 50cc का देते थे, वो बच्चा जो है वो जाके 110 वाली गाड़ी चला रहा था, वो तो स्कूटी चला रहा था, उसकी कहीं कुछ हो जाता तो उसका, तो वो मैंने बंद किया। उससे जो अंडरेज ड्राइविंग है यहाँ पे वो बंद हुई है, मैं टोटल नहीं कहूँगा, जो वायलेशन हो रही है जैसे हमारे प्रदीप सर ने बताया, जहाँ पे वायलेटर को पकड़ा जाता उसको पनिशमेंट दी जाती है, बट हम फ्रेश लाइसेंसेज 18 ईयर्स तक नहीं देते हैं, ये हमने टोटली बैन किया हुआ, और एक भी लाइसेंस हमने पिछले 2 सालों में नहीं दिया है। तो वो हमने इसलिए किया कि ताकि जो एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, जैसे जब से ज़्यादा क्या होता है, जोश होता है, यंग बच्चा है तो उसको नए घर वालों से माँ बाप से मतलब उसको कहीं मैट्रिक में पास हो गया, 10+2 में पास हो गया तो स्कूटी दे देते हैं, तो वो उसको बड़ा, हमने भी देखा रोड पे आप भी चलोगे। साथ में एक दूसरा पॉइंट उन्होंने किया कि जो हमारा टेस्ट होता है वो टफ है, वो एक 8वीं पास के लिए जो है वो टफ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन है ये 200 मॉक क्वेश्चन होते हैं, ये जो मार्थ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की साइट है वो वहाँ पे दिए होते हैं, उसी 200 में से क्वेश्चन वहाँ आएंगे, 10 क्वेश्चन आपको लर्नर लाइसेंस टेस्ट के आते हैं, वो ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं, एक आप ठीक करेंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 6 आपने पास करने हैं। जहाँ तक कोई बात है, कोई ड्राइवर अनपढ़ है उसको टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, उसको एग्जेम्प्टेड है, उसको आके हमारे पास फॉर्म, उसकी एज देखी जाएगी, बाकी चीज़ें अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो हम एफिडेविट पे भी उसका वो अगर मजिस्ट्रेट से ने दिया हुआ कि इसकी एज इतनी है तो उसको टेस्ट माफ है, उसको टेस्ट देना नहीं है, आगे अपना फॉर्म सबमिट करेगा, स्क्रूटनी हो जाएगी और खत्म हो जाएगा, उसके पास उसको टेस्ट एग्जेम्प्टेड है। दूसरा जो 8th पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, जब ये नया अमेंडमेंट आया 2019 में, अभी आप इलिटरेट जो है वो भी लाइसेंस ले सकता है, पढ़ा लिखा भी ले सकता है। तो बाकी जहाँ पे ऑटोमेशन की बात है, हमारे मैं अपने टेनर की बात करूंगा कि ऑटोमेशन तो हमारे चल रही थी 2015 के बाद, आरटीओ ऑफिस में देखें आप जानते हैं कि पहले सब कुछ मैनुअल था, आपके लाइसेंस मैनुअल इशू होते थे, उसमें बड़ी चीज़ें लोग हमें मतलब कई ग्रीवेंसीज भी आते थे कि ऐसा हुआ हुआ। ये अभी 2020 में हमारी जैसे सबसे बड़ी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी की जब रजिस्ट्रेशन होती उसको आरटीओ ऑफिस में आना होता था, उसको इंस्पेक्शन करवानी है, अपनी बाकी चीज़ें करनी है, वहाँ पे चक्कर काटने काफ़ी था, उसको एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो पावर जो है डीलर्स को दे दी गई, ऑटोमोबाइल डीलर्स की, जैसे बाकी कंट्री में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, आप जहाँ पे गाड़ी लेने जाओगे वहीं पे आपको सारी चीज़ें वहीं मिलेगी, आपको नंबर प्लेट भी वहीं लगेगी, आरसी डिजिटल सिग्नेचर से प्रिंट होगा, वो काफ़ी ईजी किया ताकि लोगों को ज़्यादा मतलब जो ये भीड़ भाड़ है, कोई ओवरलोडिंग करता है, कोई वो चीज़ें कम की जाए, जब गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी तो कम लोग चढ़ेंगे। साथ में जो हमारा ये लर्नर लाइसेंस का था इसको हमने बिल्कुल पेपर फ्री ऑफिस कर दिया, अब आप अगर आप लर्नर लाइसेंस हमारे ऑफिस में आते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देना नहीं है, हार्ड कॉपीज खत्म कर दी। बाकी सर्विसेज भी जो ड्राइवर्स के लिए खासकर थी, जब वो क्या होता था कि ड्राइवर्स का रूट परमिट है, ड्राइवर्स का ड्राइविंग लाइसेंस है रिन्यू नहीं हो रहा, उसको वहाँ आना है तो उससे भी वायलेशन होती थी, बाद में जब वो लोग पकड़े जाते थे तो वहाँ पे वो स्लिप बताते, देखें जी ट्रैफिक वालों को बताते कि जो हमारा जी ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में पड़ा, हमें ये स्लिप दी गई है, वो चीज़ें हमने खत्म की। उसमें अभी आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर आएगा, और साथ में गवर्नमेंट ने मार्थ ने एक सर्कुलर इशू किया, वो आपके नोटिस में भी होगा कि अभी आपको इस हार्ड कॉपीज की जरूरत ही नहीं है, आपका दो एक डिजी लॉकर ऐप है और एक एम परिवहन है, उसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए, अपनी या गाड़ी का नंबर आपको उसमें आ जाएगा, और सॉफ्ट कॉपी आपको कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहिए, वो ट्रैफिक पुलिस है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, या कोई भी है, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, अगर आपको उसमें इन सॉफ्ट फॉर्म में है। तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं। बाकी जहां तक बात की कि जो जम्मू सिटी का स्मार्ट सिटी में हमारे अभी जैसे प्रदीप सर ने बात की, हमारी भी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम भी मतलब मीटिंग्स में जो पार्ट प्ले करते हैं अपना, जो हमारी इनपुट्स हैं वो उन्होंने हमसे ली हुई हैं, हमने जो जैसे ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम है
वो जम्मू में ला रहे हैं, इसमें जो म्यूनसिपलिटी का रोल ज़्यादा है क्योंकि इंस्टॉल उनके थ्रू ही होनी है, बाद में तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले इसको आगे ऑपरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बात की कि जो रोड्स हैं हमारी उनकी कैपेसिटी कम है, उनको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हमारे ब्लैक स्पॉट्स पे अभी जो रोड सेफ्टी, हमारा ये मंथ छुटा पहले दिन ही हमारी मीटिंग जो है रोड सेफ्टी, जो ये ब्लॉक्स ब्लैक स्पॉट्स हैं, चाहे वो रूरल रोड्स हैं या अर्बन है, वहाँ पे ये डिस्कस किए गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के ऑफिसर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी वहाँ पे आए हुए थे कि जैसे जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स की एक डेफिनेशन है कि कितने साल वहाँ पे 3 साल तक इतने एक्सीडेंट्स हो जाएं, इतनी डेथ्स हुई तो तभी उसको हम ब्लैक स्पॉट्स माने जाते, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, तो उस पर काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेसिकली ये एक प्रोसेस ऐसा है कि आस्ता आस्ता इसके जो है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी ऐसे हैं कि एकदम कोई ओवरनाइट कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, तो आने वाले दिनों में और फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू हम इस रोड सेफ्टी मंथ में पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वो ट्रैफिक रूल फॉलो करें, और साथ में जहाँ जहाँ उनको हमारी कॉपरेशन की जरूरत है या सिविल सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोग कॉपरेट करेंगे, क्योंकि ये कॉमन काज है सबकी। अगर कोई किसी की जान बचती है तो उसका सबका भला होता है। सर, जिस तरह आपने कहा कि ये कॉमन काज और हम सबको इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, प्रदीप जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। लाइटिंग रेड लाइट्स का इन्होंने जिक्र किया, खासकर सफाई चौक की उन्होंने बात की, ऐसे जो स्पॉट्स हैं जहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की एक दिक्कत ये भी है कि मैन पावर इतना नहीं है कि पूरे हर व्यक्ति को सोशल पुलिसिंग या फिर ट्रैफिक पुलिसिंग की जा सके, ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस, क्योंकि पहली तरीके से आप स्कूल भी खुल रहे हैं 9 से 12 तक, क्या उन बच्चों को भी अवेयर किया जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि 17 फरवरी तक ये मंथ चलेगा। मैं एक धनंतर सर ने जैसे बोला कि एक चीज़ रिपीट करूँगा इनका, जी जो व्हीकल पॉपुलेशन है उसका भी बहुत बड़ा ये रोल है, जैसे जैमिंग होती है आपको सतवारी चौक लगता है या विजिलेंस रोटरी लगता है वहाँ पे, या आपको अम्फला में लगता है, और रोड तो वैसे ही बहुत कम है, लेफ्ट टर्न कहीं पे है नहीं फ्री, उस जो लेफ्ट टर्न फ्री का आपने सवाल उठाया था उसमें हम काम कर रहे हैं, कुछ चौक्स पे सर्वे हुआ है, तो विद टाइम जो है हो सकता है उनको थोड़ा वाइडन किया जाएगा। ट्रैफिक लाइट के जो टाइमर्स की आपने बात की है वो ऑटोमेटिक मोड पे होते हैं, वो उसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो रोड पे नंबर ऑफ व्हीकल्स देखते हैं कि किस लेन में कितनी लंबी लाइन लगी है, उसी तरह से एक सिग्नल आता है कंट्रोल सेंटर में, वहाँ से उसका टाइम बढ़ जाता है कम हो जाता है, और कहीं कहीं किसी रोटरी पे किसी चौक पे हमें मैन्युअली भी जब ट्रैफिक वाला वहाँ पे खड़ा होता है उसको खुद फिजिकली दिखता है कि इस लेन में ज़्यादा प्रेशर है, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर लेन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको पहले रिलीज किया जाता है प्रेशर जी। दूसरा आपने फुटपाथ्स का जिक्र किया, वो JMC के साथ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस वाले टाइम टू टाइम स्पेशल ड्राइव चलाई जाती हैं, कोशिश की जाती है कि जो भी एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाए, तो टाइम के साथ मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और आने वाले टाइम में क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं बच्चों को अवेयर किया जाएगा, क्योंकि घर में ही जब बच्चे अवेयर होते हैं तो पेरेंट्स को भी वो कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं जी। अब स्कूल्स का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो स्कूल की बसेज रहती हैं उसमें हमारा स्कूल मैनेजमेंट के साथ, स्कूल के बसेस के ड्राइवर्स के साथ, वैन्स के ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, उनको अवेयर किया जाएगा, और पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ भी कोशिश की जाएगी कि कोई सेमिनार हो जाए, कोई गेट टुगेदर टाइप करके उनको समझाया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। अब बलविंदर जी यहाँ से आगे क्योंकि हम सबका ये मानना है कि जम्मू की सड़कें उतनी टाइम के साथ चौड़ी नहीं हुई हैं, लंबाई और चौड़ाई में कोई खास फर्क नहीं आया जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़े हैं, चुनौती हम सबके सामने, ऐसे में क्या जरूरत है एज ए सिविल सोसाइटी हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देने की? देखिए सर, मैं प्रदीप साहब से एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा क्योंकि ट्रैफिक का महकमा इनके पास है। सर, सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखिएगा कि मैं समझता हूँ कोई भी कमर्शियल डिपार्टमेंट की कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या स्कूल्स बनते हैं खास करके सिटी में, परमिशन, उनकी परमिशन जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के वेट करने के बिना नहीं होनी चाहिए, अगर वेट होते हैं तो उसमें भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वायलेशन है। अगर आज के दौर में भी सिटी में स्कूलों की कहीं परमिशन दी जाती है, और क्या आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या नए स्कूलों के लिए परमिशन चाहिए? जो अगर पुराने स्कूल हैं सिटी में कई जगह ऐसा देखा गया जिनको सुबह और दिन को छुट्टी के टाइम एक एक घंटे के लिए कंजेशन लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो कई बार जब पुलिस लेवल सीनियर लेवल पे बात की वो कहते हैं जी आपको पता है ये स्कूल बड़े VVIPs लोगों के हैं तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे स्कूल हैं, क्या उनके लिए आप रिव्यू पॉलिसी भी आपके पास कोई है? आज से 30 साल पहले जिन स्कूलों की परमिशन सिटी में दी गई थी आज वो उसकी वजह से जैमिंग होती है, एक एक घंटा सर जैमिंग लगती है वहां पर, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का लेकिन आपको पता होगा एक एक घंटा जामिंग होती है। क्या आपने सरकार को भी लिखा भाई इन स्कूलों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए? आज से कुछ देर पहले वहां से ट्रांसपोर्ट कंपनी हुआ करती थी शहीदी चौक में,
तो कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई भाई आप ये टाइम नहीं है, ट्रांसपोर्ट कंपनी यहां नहीं होनी चाहिए, हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट सिटी में रिस्ट्रिक्ट की जाए, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसी क्या रीजन है, ऐसा क्या वजह है, क्या प्रेशर है कि उन स्कूलों के लिए क्या आपने कभी सरकार को लिखा क्या इनको बाहर भेजा जाए? एक चीज सर, एक तो ये होगी, एक चीज और सर आपके डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपकी डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं मिलीभगत से कुछ एक चीजें होती हैं। मैं एलिगेशन ऐसे नहीं लगा रहा लेकिन मैं कहता हूं कुछ ना कुछ आपके अफसर मिलीभगत की वजह से। सर आप जब हिल रोड पे कहीं एक्सीडेंट होते हैं डोडा में, खास करके डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह में जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, बड़ा नुकसान होता है, जाने जाती है, उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बना दी जाती है भाई ये इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगा क्या जिम्मेदारी थी, क्या हुआ, तो उसकी रिपोर्ट एक तो कभी पब्लिक नहीं की जाती, पब्लिक में वो कभी चीजें नहीं आती। सर उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ जो बहुत बड़ा रीजन हिल स्टेशन पे एक्सीडेंट होने का। अब शालामार एरिया में जाके देखिए सर, इंदिरा चौक में, वहां एक दुकान में टूर्स एंड ट्रेवल्स है, दूसरी दुकान में उसका गुड्स कैरियर है। वो गुड्स कैरियर में माल बुक करते हैं, पूरा बस स्टैंड के एरिया में गुड्स कैरियर माल बुक करती है, पैसेंजर कैरियर के ऊपर सुबह वो 4-4 टन माल उसके छतों पर रख के वो हिल स्टेशन पे डोडा जाती है, बस वो पूछ जाती है, वो किश्तवाड़ जाती है। सर पैसेंजर कैरियर, अगर पैसेंजर कैरियर लोड कैरियर बन जाए तो मैं समझता हूँ इसमें ट्रैफिक वालों का बहुत बड़ा रोल है, इसमें किसी और डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, आपका ही डिपार्टमेंट है। जो सर वहां पर ड्यूटी जिनकी है, मैं आगे भी बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर ये चीज उठा चुका हूँ, एक्सीडेंट का एक मेजर रीजन है सर, जिस बस के ऊपर अगर 4 टन या 5 टन आप बाल लोड कर देंगे, पैसेंजर का कितना होगा, 20 किलो 25 किलो का बैग, उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके ऊपर गुड्स कैरियर और पैसेंजर कैरियर एक ही जगह रखते हैं तो वो माल बुक करके इस चीज को चेक करने की जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो हिल स्टेशन पे आपके रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो कर्व पे उसका बैलेंस नहीं कर पाते तो गाड़ी वहां कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का ये बहुत बड़ा रीजन, इन चीजों को देखने की जरूरत है। दूसरा सर, जो गांधीनगर में एक हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल 200 बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो मैं समझता हूँ क्या सर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों से इसकी परमिशन ली? सर आज भी कभी हमें जरूरत पड़ती है अगर हम गाड़ी वहां पर, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है वो इमरजेंसी वहां जाएगा गांधीनगर हॉस्पिटल के पास इस तरफ अकाफ की बिल्डिंग तरफ गाड़ी खड़ी करेगा, आपके ट्रैफिक वाले आके उसको 5,000 की पर्ची चिपका जाते हैं, उसकी मजबूरी है। अगर तो वहां कोई इर्द गिर्द कहीं कोई पार्किंग का स्लॉट आपने दिया हुआ है तो फिर तो हम कहें जी उसकी गलती है, वो वहां नहीं उसकी पार्किंग, अगर हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग स्लॉट ही नहीं है तो वो शख्स गाड़ी एक पेशेंट को लेकर सर कहां जाएगा? ये हॉस्पिटल जो बना है 200 बेडेड मीन 200 पेशेंट 200 अटेंडेंट और उसके बाद कम से कम वहां पर 200 अपना स्टाफ 500 लोगों के लिए वहां पार्किंग का नहीं है। अगर पार्किंग ही नहीं है तो ये बिल्डिंग की परमिशन कैसे ट्रैफिक वालों ने दे दी? कल को कंजेशन होगा, आप लोगों को एक बेचारा गरीब आदमी इलाज कराने के लिए आएगा, किसी की डिलीवरी क्योंकि वो मैटरनिटी है डिलीवरी कराने के लिए आएगा, बच्चे साथ होंगे तो वो कहां गाड़ी खड़ी करके जाएगा और कहां जाएगा, ये भी हमारी समझ से बाहर। ये 2 साल पहले भी मैंने ये चैनल में उठाई थी स्टोरी, वहां खड़े होकर की थी भाई आपने ये बिल्डिंग तो शुरू कर दी, उसका प्रोविजन ये था जहां टीचर भवन बना जब इसकी जो प्लानिंग चल रही थी उसको पार्किंग के लिए रखा जाएगा, लेकिन बाद में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, नहीं जी यहां टीचर भवन बनाना है। भाई टीचर भवन बनाया लेकिन इसकी पार्किंग का बेसमेंट में है, वहां 30-40-50 गाड़ियां सिर्फ डॉक्टर्स की या स्टाफ की खड़ी होगी, पेशेंट्स कहां जाएंगे, अटेंडेंट्स कहां जाएंगे, इसके लिए सरकार क्या करेगी? लोग कल को वहां आएंगे कल को जाएंगे, या तो उनको पास दे दीजिए भाई, इसके बाद जिसकी गाड़ी खड़ी है उसको एग्जम्पशन उसको चलाने ही किया जाएगा, लोगों की मजबूरी है हॉस्पिटल में आना, तो हॉस्पिटल में आगे कहां खड़ी करेंगे? तो सर एक लास्ट मुद्दा अब शायद मैंने कहा वो दूर हो गया, पहले कार्ड की प्रॉब्लम आती थी ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड, हमेशा जब भी हम आरटीओ ऑफिस में गए पता किया कार्ड की आपके पास स्टेशनरी खत्म रहती है सर, ये आज का मुद्दा नहीं है, बड़ा पुराना इसे 10 साल पहले कि कार्ड का मुद्दा, जब कोई लाइसेंस लेने का भी कार्ड नहीं है हमारे पास, ये कार्ड ले जाना, एक कार्ड का मैनेज करना ये आरटीओ दफ्तर का काम है, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी दूर जाएगा कोई आपके ऑफिस में आता है भाई मेरा कार्ड सर अभी स्टेशन नहीं आई कार्ड नहीं आया, ये बहुत बड़ी है जेन्युइन लोगों का कंसर्न है, रोज हमें फोन आते हैं सर ये इस इश्यू पे भी बात कीजिए, तो इश्यू बहुत है, तो ये मैं इस पे बताना चाहूंगा। डीएल कार्ड का उन्होंने स्पेशली कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है उन्होंने कही कि पहले इसमें प्रॉब्लम थी, इवन के जब कोरोना COVID-19 मार्च 2020 में जब स्टार्ट हो गया उस वक्त भी हमारे पास ये दिक्कत थी। मैं इसका थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा कि ये कार्ड जो है ये आते कहाँ से, ऐसा क्या है कि सर कि जो ये डीएल कार्ड है ये सिटी में या यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसको इंपोर्ट किया जाता है, ये जेबरा प्रिंटर्स हैं और साथ में जो इनके कार्ड्स हैं ये बाहर की कंट्री से इंपोर्ट होते हैं, इसका टेंडर से हमारे पास आते हैं। होता क्या था कि पहले इसकी रिक्वायरमेंट जितने लाए जाते थे वो आगे जम्मू में जैसे बहुत ज़्यादा, ये क्या होता था कि इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जम्मू में 60% काम जो यूटी का है वो खाली जम्मू आरटीओ में होता है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था। तो मैंने आके सबसे पहले मैंने ही ये मेरे नोटिस में ही आया, लोगों ने यहाँ पे बाहर नारे भी लगाए, एक बार जब मैं नया आरटीओ आया था यहाँ पे
तो मुझे देखा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने इसमें जितना इसमें हम अपने लेवल पे कर सकते थे, हमारे हायर ऑफिसर से भी हमने बात की, जो डीएल कार्ड्स की एज ऑफ नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिछले जब जो हमारा क्या हुआ कि जो हमारी, मैं आप यहाँ पे शेयर करूँगा आपके माध्यम से, कि 5-6 हज़ार प्रिंटिंग हमारी लॉकडाउन के दौरान हमें उस वक्त कार्ड की वजह से पेंडिंग थी पहली, वो हमने निकाल के लोगों के घरों तक पहुँचवाई। अब इस वक्त कार्ड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें अब दो रीजन आ गए। प्रॉब्लम क्यों नहीं है, एक तो जो डीएल कार्ड का मटेरियल था वो हमारे पास अवेलेबल है, सफिशिएंट अवेलेबल है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस है, क्योंकि ये वहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रोक्योर वो करते हैं, वहाँ पे एडुकेट जो स्टॉक है अवेलेबल है। साथ में जो मॉर्थ ने दूसरी गाइडलाइन निकाल दी कि आपका जो डिजी लॉकर में या एम परिवहन में जो सॉफ्ट कॉपी है, अगर आपके पास कार्ड नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास आरसी नहीं है कोई जरूरत नहीं, उससे भी काफी फर्क पड़ गया। मान लो आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड है, ये ऑनलाइन सर्विस से आपको मैसेज आ जाता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस इज अप्रूव्ड, नंबर भी आपको आ जाता है, वही आप नंबर अपने उसमें डिजी लॉकर या एम परिवहन में कर दे, आपको कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं, अभी आप कंफर्म कर सकते हैं हमारे आरटीओ ऑफिस से या लोगों से भी, इस वक्त 2020 अप्रैल तक ये प्रॉब्लम थी, उसके बाद अभी एक साल से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नोटिस हमारे में नहीं आया है। हाँ ये है कि कभी हमारे पास कंप्लेंट ये आ जाती है कि जनाब मेरा लाइसेंस घर नहीं पहुंचा, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस है, हम इसको बाई पोस्ट घर भेजते हैं। उसमें रीजन है, रीजन ये है कि जो पोस्ट ऑफिस का वर्किंग का आपको भी पता है कि वो देखते हैं, जैसे हाउस नंबर है, फलाना गली नंबर है, वहां जाके वो पोस्ट ऑफिस वाला ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर कर देता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जैसे खासकर प्रॉब्लम सिटी में आती है, हमारे बठिंडी एरिया में, वहां पे लोगों के घर नंबर नहीं है, जनरल घर हैं, जैसे सुंजवा आर ओ सुंजवा लिख देंगे, वहां पे 500 घर हैं, किसको देना है वो वापस हमारे पास आते हैं। या आप रूरल एरियाज में चले जाएं, वहां घर नंबर अलाट नहीं होते हैं, हाउस नंबर अलाट नहीं है, वहां जनरल है, तो वो हमारी कोई 1% कंप्लेंट आती है कि जनाब हमारा घर में डिलीवर नहीं हुआ, तो वो वापस हमारे पास आते हैं। फिर हम उन लोगों को यहाँ पे हमारे पास एक हेल्प डेस्क है, उसके लिए अब मैंने पर्सनली जो यहाँ के डायरेक्टर हैं पोस्ट ऑफिस से, उनसे मैंने बात करके, एक आदमी पोस्ट ऑफिस का मेरे ऑफिस में बैठा होता है हेल्प डेस्क में, उसको बैठाया था, कोई भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आएगा, अपने कंप्लेंट दिखा के, जिसको लाइसेंस घर में नहीं मिला वो वहाँ से ले जाएगा। बट जो प्रिंटिंग का मटेरियल की, अब कोई एज ऑफ नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें काफ़ी स्मूथ हो गया ये। गणता जी, मैं एक तरफ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनौतियाँ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने काफ़ी हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने की, लोगों में एक जनचेतना पैदा करने की, लेकिन आम जनता की भी एक आवश्यकता बनती है। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप सिद्रा की तरफ चले जाइए, वहाँ पर यंग लड़के स्टंट्स करते हुए नज़र आएंगे विदाउट सेफ्टी मेजर्स, ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप दोनों वर्किंग हैं और अपनी एब्सेंस को वो पूरा करते हैं इन चीज़ों को। क्या एज ए सिविल सोसाइटी हम सब की एक जिम्मेवारी बनती है, न केवल इस मंथ बल्कि पूरे साल, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि जो हम करते हैं बच्चे वही फॉलो करते हैं, क्या आवश्यकता है कि आत्मचिंतन करने की? डेफिनेटली जो बच्चों के वायलेशंस हैं, ऑलरेडी शायद होगा ऐसा प्रोविजन, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स का लाइसेंस कैंसिल कर देना, उसमें पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है गार्डियन को या पेरेंट को, अब नए एक्ट के तहत उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अगर बच्चा निकलता है तो बच्चे को पुलिस सीधा नहीं कर सकती, तो जुवेनाइल जस्टिस आ जाता है, उसको आरटीओ साहब नहीं, सर जो जान जाती है वापस नहीं, इनके वो जान वापस नहीं आती, इसलिए उसके माँ बाप को इतना वो करवा दीजिए कि वो फंसे हुए बच्चे को लॉक करके चाहे घर में जाएं, या जैसे आपने फरमाया मैट्रिक पास किया तो बड़ा कमाल कर दिया, मोटरसाइकिल ले दिया, या ट्वेल्थ जो स्टंट्स वाली आप बात कर रहे हो, मैं 3 दिन पहले देख रहा था, वहाँ रोड साइड कोई रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहाँ से ऐसे बच्चे जा रहे थे जैसे वो इंग्लिश मूवीज में वो दिखाते हैं ना, उस टाइप धूम स्टाइल जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल चढ़ने वाले। तो अब मैं वापस आता हूँ, मुद्दे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, 2-3 चीज़ें मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। जो मैंने लाइसेंस का स्लॉट का किया, आपको लगा होगा ये क्यों उठाया, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि जो मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट है, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या डोमिनोज है, इनके जितने भी जॉब्स निकल रहे हैं, वो सारे बच्चे जब जॉब लेने जाते हैं वो लाइसेंस मांगते हैं। आपने देखा होगा जम्मू में डिलीवरी बॉय पंजाब के आ रहे हैं, उनके पास लाइसेंस होते हैं, हमारे बच्चे क्वालिफाइड होने के बावजूद लाइसेंस की, लाइसेंस कंपलसरी हो गया, कोई जॉब ले लो किसी भी, आप पता करवा लीजिए कि मेरे पास बड़े लोगों की ऐसी रिप्रेजेंटेशन आई हैं कि हमें मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन बच्चे जम्मू के अवेलेबल नहीं हैं। कुछ कंपनीज ने मेरे साथ बात की है, जितने भी आप जियो के एम्प्लाइज देख लीजिए, एयरटेल के एम्प्लाइज देख लीजिए, दे वांट कंपलसरी लाइसेंस फॉर द कैंडिडेट। कुछ जगह तो बाइक भी मांगते हैं, लेकिन काफ़ी जगह जैसे डोमिनोज के अपने बाइक्स होते हैं, बट नो कंपनी वुड लाइक टू टेक द रिस्क
कि बिना लाइसेंस के बंदे को चलाना आता है, ये तो आप भी मानेंगे कि बच्चे कहीं ना कहीं घर में पार्क में कहीं ना कहीं सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो एक फर्स्ट लाइसेंस थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा। इतने मुश्किल सवाल वो बच्चे नहीं कर पाते जो डिलीवरी बॉयज आते हैं, और वो लाइसेंस के डर से ही उनकी नौकरी जा रही है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा 200 बच्चे की जिनको जॉब मिल गया होता अगर लाइसेंस मिला होता। हमारे यहाँ ऑलरेडी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और बाहर से लोग यहाँ जॉब ले रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो हमने कई बार डिस्कस किया। लेकिन जो हमारी इतनी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है उसके लिए भी हमारे बच्चे लाइसेंस की वजह से बड़े बच्चे डिप्राइव हो रहे हैं, नहीं तो मैंने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट नहीं करना था। दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑटोमेशन की, हम डिस्कस कर रहे इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन में कोई इन्वेस्टमेंट, जितना एक मंथली सैलरी बिल है ना ट्रैफिक पुलिस का, उससे पूरे J&K की ऑटोमेशन हो जाएगी। हम लोग जो प्रोजेक्ट्स को बड़ा एक्सपेंसिव समझते हैं या बना देते हैं, ये कुछ भी नहीं है। एक सर्वर की ज़रूरत होती है, मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करने में शौक रखता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमने MIS डेवलप किए हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि ट्रैफिक, और रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ये सॉफ्टवेयर की गेम है, इसमें हार्डवेयर ज़रूरत नहीं है। कैमराज ऑलरेडी आपके इंस्टॉल्ड हैं, उसके साथ वो जो मॉनिटरिंग सेंटर है वाईफाई एनेबल्ड पूरा जम्मू सिटी है, अगर नहीं है तो वहाँ आप जियो के कनेक्शन कर दीजिए। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, खाली इसके लिए रोकने के लिए नहीं, किसी भी टाइप का क्राइम, क्योंकि वेस्ट में आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसमें वो क्राइम कैसे पकड़ते हैं, हाईवे कैमरा से। पहला तो हमारा हाईवे सिर्फ हम नेशनल हाईवे को समझते हैं, किसी J&K के बंदे को पता नहीं है कि स्टेट में भी हाईवे होता है, हमारा स्टेट हाईवे डिक्लेयर नहीं है। तो हम रोड्स को ऐसे लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे बलविंदर सिंह जी ने सही फरमाया कि वही गाड़ी पैसेंजर की है उसी के ऊपर बोरियाँ पड़ी हैं, वो जब इम्बैलेंस होता है गिर जाते हैं। तो जो भी रोड एक्सीडेंट्स के अलावा भी जो क्राइम्स होते हैं, कल परसों एक क्राइम हुआ यहाँ नानक नगर में जो किलिंग हो गई, तो वो वहाँ पे कैमरा था, लेकिन उसके बाहर भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज 1200 रुपये का कैमरा आता है, अगर कैमरा जो 10,000 कैमरा भी लगेंगे कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, महीने का सैलरी भी होगा एक डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ का, उसमें सारे कैमराज लग जाएंगे। आप लोगों के लेवल की बात नहीं है, हायर लेवल के हम LG साहब से ये टेकअप करेंगे, क्योंकि इसको प्रायोरिटी पे करना है, हमें वेट नहीं करना है। हम बड़े सालों से सुन रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा, वो जब तक बनेगा हम नहीं रहेंगे, कश्मीर रेल पहुंचनी थी जब तक पहुंचेगी हम नहीं रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना बड़ा अच्छा लगता है, ग्लैमरस लगता है, लेकिन उससे पर्पज़ सॉल्व नहीं होता। एक मतलब वायरलेस तारें भी नहीं लगानी होती आजकल, वो उसमें अपना जो CPU होता है कैमरा में जो 1200 रुपये का आता है, आप चाइनीज भी छोड़ दिए इंडियन मिलते हैं, 1200 रुपये का कैमरा आता है जिसमें सब चीज़ें लगी होती हैं। तो ऐसे कैमराज अगर 1000 जम्मू में लग जाते हैं पूरी रोड्स का सारा क्राइम। दूसरा जो डिपार्टमेंट्स की बात है, जब हम सिटी से गांधीनगर की तरफ उतरते हैं Gen X जहाँ पे है वहाँ पे राइट साइड पे रोड उतरती है, उसमें ना ट्रैफिक वालों की गलती है ना RTO साहब की गलती है, वो PWD की गलती है, ये सारे डिपार्टमेंट इसमें शामिल हैं। या डेथ हो जाती है, हाहाकार मचती है, ट्रैफिक पुलिस के नारे लगते हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं, या रोड पे जो लोग रहते हैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हम दोनों को बुलाने के बजाय 4 डिपार्टमेंट ज़रूर बुलाया करो आप, क्योंकि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, वो आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो। अगर जो मेडिकल स्टाफ है उनका काम है, रेड क्रॉस का मैं गवर्निंग काउंसिल में रहा हूँ वहाँ इन्वॉल्व किया जाता था, अब आजकल मैंने देखा कोविड में भी स्पिरिट में भी रेड क्रॉस को या दूसरे NGOs को नहीं इन्वॉल्व किया गया। प्रदीप जी और शॉर्ट टाइम, मुझे लगता है कि आपका कहने का ये मतलब है कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। पॉलिसी मैटर्स आप डिस्कस कर रहे हैं लेकिन पॉलिसी मैटर इनसे कहीं ऊंचे हैं, जो बनते हैं और इंप्लीमेंट करने की बात आती है जिसमें डिफरेंट एजेंसीज काम आती हैं। प्रदीप जी चलते चलते मैं आपसे दो चीजें जानना चाहूंगा। पहले तो मतलब टॉपिक से हटके मैं एक बात करूंगा, क्योंकि कहीं पर भी किसी नाके पे किसी लड़के को किसी ड्राइवर को रोका जाता है वो वही डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, बिल्कुल, और फिर हमें कहते हैं कि हमारे पास है, फाइन क्यों कर रहे हो? उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके पास RC है, उनके पास इंश्योरेंस है, उनके पास पोल्यूशन है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट, लेकिन जो उनका फाइन हम कर रहे हैं वो करें विदाउट सीट बेल्ट, ठीक है जी, विदाउट सीट बेल्ट फाइन के 1000 रुपये उसको भरना है, उसके पास
जेब में 1000 रुपये नहीं है, ना ही उसके पास डेबिट कार्ड है, ना उसके पास क्रेडिट कार्ड है, क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमें कोई डॉक्यूमेंट रिटेन करना है, उस टाइम पे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि जो डिजी लॉकर है या एम परिवहन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त है, लेकिन जब आपके पास फाइन पे करने के लिए पैसे नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं, तब हमने आपका डॉक्यूमेंट रिटेन करना है, उस टाइम पे हमें फिजिकली डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जो इन्होंने जिक्र किया कि क्या जो स्कूल्स की इन्होंने बात की है उसके बारे में हमें जवाब दूंगा। देखो, जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वो चाहिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो, जेएमसी हो, वो चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे, जितनी भी परमिशंस बन रही है आज की डेट में, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, कोई होटल बन रहा है, कोई पेट्रोल पंप खुल रहा है, वाइन शॉप खुल रही है, उसकी परमिशंस ली जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। ट्रैफिक जो एक सिंगल विंग है, हम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, हमें एक छोटा जो लॉ जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है। जो परमिशंस की आप बात कर रहे हैं, ये जम्मू मास्टर प्लान 2032 के तहत बनाए जाते हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस का इतना ही रोल है, हम एक एजेंसी है उसमें। आप पिछले एक साल का डाटा मेरे ऑफिस में आके ले जाइएगा, आप कोई भी ऐसा स्कूल, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो बनी हो जिसके पास पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं हो और जो जम्मू मास्टर प्लान के तहत नहीं बन रही हो, हमारे मेरे ऑफिस एटलीस्ट तो कोई परमिशन ऐसी नहीं गई है। जो पुराने स्कूल्स की बात है, हाँ, जो पुराने स्कूल्स हैं, जो गलियों में स्कूल हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उनका जो है वो फैसला गवर्नमेंट ने लेना है, उसमें जो है हम उनको हम लिख सकते हैं, हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कोई चीज़, हम अपने अपनी तरफ से कोई कानून बना नहीं सकते हैं। तो कानून जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाता है या स्टेट लेजिस्लेटर बनाता है, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था पहले, उसको अमेंड किया गया लगभग 31 साल के बाद, उसको फाइन बढ़ाए गए, कुछ पेनल्टीज ऐड की गई, कुछ वायलेटर्स के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के प्रोविजंस रखे गए। तो वो हम 1988 वाला 2018 तक इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जब नया आ गया अब हम ये कर रहे हैं, तो हम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। जो गाड़ियों के जो हाँ उसमें जो है उसमें मैं मतलब जैसे जिस तरह से आप कह रहे हो वैसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज चेक करने की जरूरत है। सवेरे इंदर चौक पे तो बहुत रश होता है, इसमें कोई फैक्ट दो राय नहीं है। सुबह 4 बजे किसी भी जगह वहां चले जाइए, मुझे कभी बुला लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा। सुबह 4 बजे मेरे डिप्लॉयमेंट रहती नहीं है ट्रैफिक की, सुबह सुबह 4 बजे निकलती है बसें, सुबह 4 बजे 5 बजे। लेकिन ऐसा है कि आगे उनको चेक कर किया जा सकता है, ओवरलोडिंग 3 गुना नगरोटा झजरकोटली उधमपुर एलिगेशन नहीं आप लगा रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से नहीं आपकी बात को ले रहा हूँ, मैं चेक करने की जरूरत है, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। प्रदीप जी बिल्कुल एक चीज जानना चाहूंगा, हम आप एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, चलाने भी होती है, क्या आज पॉलिसी में तरमीम करने की जरूरत नहीं है कि जो ट्रैफिक पुलिस 24 घंटे सड़कों पर रहती है उनकी सेफ्टी सुरक्षा उनके हित के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी योजना सरकार चलाए? आप जो लड़के हैं वो आप सरकार से कहिए, जरूरत तो आपकी तरफ से एक सरकार को जा सकता है क्योंकि काम कर रहे हैं लड़के, उनकी भी सेफ्टी के लिए बात की जाए। धनंजय जी बिल्कुल चलते चलते मैं आपसे यहाँ से जाना चाहूंगा, क्या आने वाले समय में इस मंथ के साथ साथ जो वायलेटर्स हैं, क्या जो नए मोटर व्हीकल में इसमें पंचिंग ऑफ लाइसेंसिंग की बात भी की गई है, कितना इम्पैक्ट उससे पड़ेगा और एक संदेश क्या देंगे? देखिए पहले एक इनका क्वेश्चन था उसका मैं रिप्लाई कर दूं कि जो उन्होंने कहा था कि जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं लर्नर लाइसेंस में ये आसान किए जाएं, ये टफ हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस हैं ये सारथी पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया है, उसमें हमारे हाथ में कोई चीज नहीं कि हम उसको एडिट कर पाए। हाँ, मैं एक चीज आपके माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहूंगा क्योंकि आपका चैनल सभी लोग देखते हैं, जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इजी हैं, वहां पे सिग्नल साइंस होते हैं, अगर आप खुद कभी मेरे ऑफिस में आ जाए मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट साइंस को क्या, आपने राइट टर्न करना क्या, आगे एक साइन दिया हुआ है इसका क्या मीनिंग है, मतलब नॉर्मल है। मैंने क्या किया है अपने ऑफिस में, मैंने एक चार्ट बोर्ड वहां लगाया हुआ जहां वेटिंग रूम है, जहां हमारा टेस्ट होता है उसके बाहर एक वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल में मैंने एक सामने बोर्ड लगाया और मैं हर लड़के को हर कैंडिडेट को जो वहां आता है बच्चा जो भी है मैं उसको बोलता हूं यार इसको एक बार पढ़ लो, जिस बच्चे ने उस बोर्ड पे देख के गया वो कभी फेल नहीं होगा, मेरे से आप गारंटी ले लेंगे, क्योंकि उसमें से ही 5-6 क्वेश्चन उसने 10 में से 6 क्वेश्चन पास करने और 6 क्वेश्चन उसमें से पक्के आएंगे, वो साइंस है, सिग्नल्स हैं कि रोड पे आपको हॉस्पिटल आ गए तो कौन सा सिग्नल होगा, आपके आगे अगर स्कूल है तो कैसे, आपका अगर जेबरा क्रॉसिंग है तो क्या होगा, वही क्वेश्चन अंदर आते हैं। बाहर हमारे ऑफिस के बाहर वेटिंग हॉल में एटलीस्ट आप उस बोर्ड को नजर मार लीजिए, आप अंदर कभी फेल नहीं होंगे, ये छोड़िए क्योंकि हमारा उसमें ये कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं है, जस्ट ये है कि आपको बेसिक नॉलेज एक ड्राइविंग का होना चाहिए कि गाड़ी के टायर कितने,
आपका रोड कैसा है, जेब्रा क्रॉसिंग कैसी है, स्कूल कैसी है, इसके लिए आपको है। जहां तक आप बात की आपने वायलेशन की, जैसे ये इस हमारे थीम ही इस बार रोड सेफ्टी मंथ का है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझाएं बिल्कुल, ताकि वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करें। क्योंकि जब तक सोसाइटी प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं करेगी, डिपार्टमेंट मान लें आप ट्रैफिक पुलिस की बात ले लें, पूरे J&K में मुझे नहीं लगता है 1000 से ज्यादा इनका जो है नीचे कॉप्स होंगे, और हमारी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के करीब है। तो आप ये सोच लीजिए कि क्या 1.5 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 1000 जवान जो है वो हर जगह पहुंचेगा। हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ARTO होता है, उसके साथ एक या दो इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी दो क्लर्क हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम इतना है कि उसको डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं होते हैं, वो तब भी वेटिंग आ जाती है, उसको अगर हम फील्ड में निकाल देंगे तो डॉक्यूमेंट्स बंद हो जाएंगे। मतलब इसमें सोसाइटी का मेन रोल आता है। जैसे आप जहां फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे ना लोग खुद भी जो है इस रोड को फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। मेरे पास कुछ लोग आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, वो मतलब वहां कहते हैं कि जिस दिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा ना, उस दिन वहां पे बहुत बड़ी ट्रीट दी जाती है कि यार हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिला। लेकिन यहाँ पे आप जम्मू में देखिए, बड़े बड़े मैंने सीनियर ऑफिसर्स हैं या बड़े अच्छे लोग जो वहाँ पे, जो यहाँ पे मतलब अच्छे रेपुटेशन वाले सोसाइटी में अच्छे रहते हैं, लेकिन जब उनकी लाइसेंस की बारी आती है तो उनका फोन पहले आता है, जनाब मेरे बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना। मतलब वो आदमी ये नहीं सोचा यार मेरे बच्चे को अगर लाइसेंस मैं दे भी दूं, ठीक है मेरी डिस्क्रिप्शन है, सेक्शन 99 मोटर व्हीकल एक्ट में RTO को पावर एम्पावर करता है कि वो किसी को लाइसेंस देख के दे सकता है कि नहीं ये बच्चा गाड़ी चलाता है। मान लो मैंने सिफारिश सुन ली, मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना, मैंने तो इशू कर दिया, मेरे पर यही एलिगेशन लगे कि इसने इस बारे सुन ली, लेकिन उस बच्चे का कल अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसका तो लाइफ खत्म हो गई ना। एक घर में एक बच्चा अगर किसी का चिराग बुझ जाए तो वो घर ही पूरा खत्म हो जाता। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से भी एक भी लगे, आप एटलीस्ट इस लाइसेंस के इशू में हमारे मतलब ये सिफारिशें ना करें, लाइसेंस आप बच्चे को तभी दिलाएं जब वो चला ले गाड़ी, अगर वो चला लेता उसको कोई फेल नहीं करेगा। ये आप मैं मतलब मैंने ये चीज इंश्योर की है कि आप मेरा ड्राइविंग टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे खानपुर नगरोटा में, हमारा ड्राइविंग वो अपना ग्राउंड है यहाँ पे वेवमाल के बेक साइड में, आप वहाँ बैठ के आप सेक्रेट कैमरा से बैठ के आप कर ले, जो बंदा पास है उसको फेल कोई नहीं करेगा, गारंटी लेके चाहिए। हाँ ये है कि जो फेल है उसको पास करने के लिए सिफारिशें लेंगे, और लोग जिसको हम पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ ऊपर वाले का डर है, कुछ एजेंसीज भी हमारे पीछे पड़ी हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे लोग सारे सीधे हैं, वहाँ पे कुछ एजेंसीज ऐसे पड़ी होती हैं कि उनमें से अगर 50 लोग खड़े हैं, एक दो को एजेंसीज के भी बैठे हुए जो चेक कर रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, तो वो नहीं होगा, तो वो लोग हमारे पर एलिगेशन लगा देंगे इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया नहीं। तो ये रहेगा कि हम ये सारी चीज़ें ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन जो है आपका, अगर ड्राइविंग लाइसेंस ठीक मिला हुआ है, आप अपने बच्चे की ठीक आपने ग्रूमिंग की है, उसके अच्छे सिद्धांत दिए हुए हैं, तो वो रोड्स पे भी अच्छा रहेगा। आप जो अंडर एज ड्राइविंग है उसको खत्म करवाइए, अपने बच्चों को गाड़ी मत दीजिए तब तक जब तक तो वो ड्राइव ना करे, लाइसेंस बनाइए। आप अगर आपको जम्मू में लाइसेंस नहीं मिलती, इस वक्त सर ये ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा है कि अगर आप मान लो आपकी पोस्टिंग उधमपुर में है, रामबन में है, श्रीनगर में, आप वहां से लाइसेंस बना सकते हैं। पूरे इंडिया में आपको ये नहीं है कि आप यहां का परमानेंट रेजिडेंट जम्मू के, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जम्मू से ही बनना है। मेरे पास जम्मू में बिहार के बाहर के स्टेट्स के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ का कुछ एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो इसलिए अगर आपको जम्मू में, क्योंकि रश ज्यादा रहता है, आप दूसरी जहाँ पे आप सर्विस करते हैं वहां से बना सकते हैं। लाइसेंस बनाने के बगैर गाड़ी ना चलाइए, साथ में जो हमारे रूल्स हैं हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, ये भी पब्लिक सर्विस के लिए ही खड़े हैं। आप अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे आपका एक्सीडेंट्स वो कम, अगर आप जैसे आपके पास तो पूरा डाटा होगा, अगर आप स्टडी करेंगे जितने एक्सीडेंट्स आज तक हुए हैं, मैक्सिमम रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ड्राइवर की गलती से होता है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो कहीं ना कहीं गलती का जाता है। जहां तक आपने कहा कि जो इंक्वायरियां बनती हैं उस पर कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती है, मैं 2-3 इंक्वायरियां मेरे टाइम में हुई हैं। जैसे आप किश्तवाड़ में एक बार हुआ था, वहां पे केशवान में जाके एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को इंक्वायरी अफसर बनाया था गवर्नमेंट ने, तो मैं वहां पे मेंबर था, वहां हम गए थे, तो उस हमारी इंक्वायरी के बेस पे वहां पे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी PMGSY डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उस पर FIR लगी थी। हमने लिखा था कि वहां पे कोई पैरापेट नहीं है, जहां पे आपका जो विड्थ है रोड की वो बिल्कुल कम थी, और बिल्कुल मोड़ पे जाके वो नीचे बस गिर गई, और अगर वो रोड में पैराफिट होता एटलीस्ट उससे वो रुक सकती थी, तो उस पर FIR लगी और एक्शन हुआ, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये हम कह रहे हैं कि हमारा उतना प्रोएक्टिव रोल नहीं है, बट सरकार अपना काम कर रही है, सबसे बड़ी जरूरत है सोसाइटी की। तो जब तक सोसाइटी प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं करेगी तो ये एक्सीडेंट्स, ये जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती हैं, इनको कम करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार ये लास्टली ये कहूंगा कि जो हमारा रोड सेफ्टी मंथ है, इसमें हमसे कॉपरेट कीजिए, इनसे सीखिए, खुद भी सिखाइए, ताकि ये पूरा जो साल का हमारे आगे रहेगा वो अच्छा रहे और एक्सीडेंट्स कम हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि 32nd रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, और ज़रूरत इस बात की है कि चुनौतियां विभाग के सामने, चाहे हम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चुनौतियाँ काफ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चुनौतियों को दूर करके सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा, और साथ में
जो हम अपने बच्चों को अंडर एज ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कहीं ना कहीं उसको डिस्करेज करना होगा अगर हमें अपनी कीमती जाने बचानी है, क्योंकि दुर्घटनाओं में जाने जाती हैं और किसी एक घर का चिराग बुझता है और उसके एक दूरगामी प्रभाव होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार सड़क पर यातायात नियमों का पालन करें और बेहतर नागरिक होने का अपना जो दायित्व है उसे पूरा कर सकें। धनंतर सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, प्रदीप गंडोत्रा जी और बलिंदर सिंह जी, आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।